हाय दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MLM क्रिप्टो कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको Groww ऐप एप्लीकेशन के बारे में बताया था और इस एप्लीकेशन के जरिए दोस्तों आप घर बैठे ऑनलाइन SIP या म्यूचुअल फंड बाई कर सकते थे बहुत ही ईजी तरीके से दोस्तों। तो दोस्तों, इस Groww ऐप के बारे में जो कि दोस्तों आपको स्क्रीन में दिख रही है ये एप्लीकेशन दोस्तों Groww एप्लीकेशन, इसके बारे में दोस्तों मैंने नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने वो लिंक दे दी है, आप सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप पहले देख लें। उसके बाद दोस्तों अगर आपको Groww में SIP या म्यूचुअल फंड बाई करनी है तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हो, या फिर दोस्तों अपनी जानकारी के लिए भी इस वीडियो को आप देख सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यह दिखाऊंगा कि कैसे आप बहुत आसानी से SIP या म्यूचुअल फंड आप बाई कर सकते हो, किसी भी तरह का दोस्तों म्यूचुअल फंड आप यहाँ से बाई कर सकते हो घर बैठे ऑनलाइन दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव को, ताकि दोस्तों उन लोगों को भी ये जानकारी उनको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने Groww एप्लीकेशन जो है इसे आपको ओपन कर लेनी है। ये दोस्तों एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको दोस्तों सिंपली एक ये ऑप्शन दिख रही होगी यू वाली, इस पर आपको क्लिक करनी है। जब दोस्तों आप यहां पर क्लिक करते हो तो यहां पर दोस्तों आपको एड मनी की ऑप्शन दिख रही है, इस एड मनी के ऑप्शन में आपको क्लिक करनी है। अब दोस्तों आपको कितना का SIP या म्यूचुअल फंड आपको बाय करना है ये यहां पर लिख देना है। एड मनी दोस्तों जब आप इसमें करते हो तो आपको दोस्तों कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखता है, आप जिस भी बैंक अकाउंट के थ्रू आपने यहाँ पर अपना ID वेरीफाई की थी उस बैंक अकाउंट का नंबर आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद दोस्तों आपको गूगल पे फोन पे पेटीएम अदर्स या फिर नेट बैंकिंग एंटर UPI ID के थ्रू या फिर NEFT IMPS के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। दोस्तों NEFT या फिर IMPS थ्रू अगर पेमेंट करना चाहते हो सिंपली आपको इसमें क्लिक करनी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर आपको येस बैंक का एक अकाउंट बन चुका है, मतलब दोस्तों जब आप इसमें इस एप्लीकेशन में अपनी ID अपनी जब डिटेल्स इसमें सबमिट करते हो तो यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिक जो है येस बैंक का एक अकाउंट बन जाता है करंट अकाउंट। इस करंट अकाउंट में दोस्तों आप IMPS कर सकते हो या फिर दोस्तों आप गूगल पे फोनपे के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। जैसे दोस्तों अपना 5000 आप इसमें पे करते हो ये दोस्तों इसके वॉलेट में आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर वॉलेट पर आ जाएगा, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिख रही है अवेलेबल टू इन्वेस्ट 0। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 5000 4000 आप जितना भी यहाँ पर ऐड करते हो ये यहाँ पर आपको शो करने लगेगा। अब दोस्तों सिंपली आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को आपको यहाँ पर सर्च कर लेनी है। दोस्तों मैं देख सकता हूँ आप टाटा मल्टी कैप फंड में इसे सर्च करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसे सर्च कर लिया, आप यहाँ पर देख सकते हो 11.08 रुपये करीब इसके प्राइस अभी चल रहे हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं 11.08 रुपये करीब प्राइस चल रहे हैं। आप दोस्तों इसमें या तो आप यहाँ पर वन टाइम के लिए म्यूचुअल फंड बाई कर सकती हो या फिर दोस्तों आप मंथली SIP भी बाई कर सकते हो। यहाँ दोस्तों सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी जानकारी आप ले सकते हो दोस्तों किस तरह की है। 1 ईयर 3 ईयर ऑल रेटिंग भी अच्छी खासी है दोस्तों, 5 की रेटिंग है, 1585 करोड़ की इसकी फंड साइज है। दोस्तों अगर रिटर्न्स वगैरह आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ईयर में 12.4% का रिटर्न इस यहाँ पर दे चुका है। दोस्तों ये 3 ईयर से भी कम की है, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो दोस्तों इक्विटी है, ये दोस्तों टाटा मल्टी कैप फंड है दोस्तों, ये एक्चुअली में दोस्तों 3 ईयर से भी कम की है। तो दोस्तों 3 साल से ज़्यादा का ये आपको डाटा नहीं बता पाएगी, लेकिन दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि सालाना यहाँ पर 12.4% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल गया दे चुका है। ये दोस्तों SIP भी कैलकुलेटर है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कितना डालने से ये आगे आपको कितना मिल सकता है, ये आपको टोटल यहाँ पर आपको दिखेगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये सब रिटर्न्स वगैरह जितनी डिटेल्स होती है ये आपको यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको मंथली SIP या वन टाइम म्यूचुअल फंड के तरफ आप जा सकते हो। तो दोस्तों मैं म्यूचुअल फंड की तरफ जा चुका हूँ, आप देख सकते हो आप यहाँ पर आपको जितने भी म्यूचुअल फंड की बाई करनी है ये यहाँ पर लिख देना है और प्रोसीड पे आपको क्लिक करनी है। तो इस तरह से दोस्तों आप म्यूचुअल फंड यहाँ पर इस तरह से बाई कर सकते हो, पे नाउ के ऑप्शन पर जैसे करते हो ये दोस्तों बाई हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आपको 3 से 4 दिन के अंदर में ये एक्टिवेट हो जाएगी, आपकी जो म्यूचुअल फंड है ये बाई हो जाएगी। एक्चुअली में दोस्तों बाय आपकी उसी समय हो जाती है जैसे ही आप यहाँ पर बाय करते हो, बाय तो हो ही जाती है, बट 3-4 दिन के अंदर में कुछ प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है, 2 दिन के अंदर में दोस्तों ये कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको SIP बाय करनी है, मंथली SIP जो है यहाँ पर आप देख रहे हो, तो इसके लिए दोस्तों आपको इस पर क्लिक करनी है। अब दोस्तों जितनी भी SIP आपको बाय करनी है यहाँ पर आपको लिख देना है और प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ से करते हो आपको पे नाउ का ऑप्शन आता है, पे करोगे आपको यहाँ से मंथली SIP जो थी यहाँ से आपकी
बाय हो जाएगी। तो इस तरह दोस्तों बहुत इजी प्रोसेस है यहाँ पर SIP बाय करना, चाहे म्यूचुअल फंड बाय करना, बहुत इजी में आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों जब आप बाय कर लोगे तो यहाँ पर आप सब सारी डिटेल्स वगैरह देख सकते हो। SIP रिपोर्ट, ये दोस्तों आप देख सकते हैं SIP रिपोर्ट की यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है, आपको माई SIP में जानी हो दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो SIP होगी यहाँ पर आपको शो करेगी। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने 2000 का एक SIP अभी जस्ट ओपन किया था कुछ देर पहले, तो ये SIP मुझे शो कर रही है 25 सितंबर 2019। नेक्स्ट ड्यू दोस्तों आप 7 नवंबर 2019, मतलब दोस्तों 7 नवंबर को मुझे ये पे करनी है। तो इस तरह दोस्तों आपको यहाँ पर अपना SIP बाय कर सकते हो। अब दोस्तों जरूरी है कि जब आप इसमें SIP बाय करते हो तो हर महीना या मंथली ऑटोमेटिक कट जाए, इसके लिए दोस्तों कुछ प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को भी आपको करना जरूरी होता है। तो दोस्तों आपको अपने ऑटोमेटिक इसे SIP को बैंक से डिडक्शन के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रही है बैंक एंड मैंडेट डिटेल्स, आपको इस पर क्लिक करनी है। फिर दोस्तों आपको देख सकते हैं एड बिलर का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आपको SIP बाई करते हो 2000-3000 महीने की, तो दोस्तों ये ऐसा होना चाहिए कि ऑटोमेटिक ये बैंक के थ्रू डिडक्ट हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों आपको एड बिलर का ऑप्शन पे जाना पड़ता है और एड करना पड़ता है। तो इस तरह का दोस्तों कुछ आपको नंबर दिखता है, ये सारी प्रोसेस दोस्तों आपको बैंक अकाउंट के थ्रू, आपकी जो ऑनलाइन जो आप बैंक की एप्लीकेशन यूज करते हो, चाहे वो किसी भी बैंक की एप्लीकेशन हो, उस बैंक की एप्लीकेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एड बिलर करके इस प्रोसेस को भी आप कंप्लीट कर सकते हो। आज की जो वीडियो दोस्तों इसमें बेसिकली इसमें सिर्फ मैं ये जानकारी देने वाला था कि कैसे आप SIP और म्यूचुअल फंड आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। तो सिंपल सा प्रोसेस दोस्तों आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात दोस्तों कि आपको SIP चलानी है तो आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, मंथली के 500 रुपये आप यहाँ पर पे कर सकते हो, ऑटोमेटिक ये डिडक्ट हो जाती है। इसकी पूरी प्रोसेस दोस्तों डिडक्ट करने की जो एड बिलर की ऑप्शन होती है ये मैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।